हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। तो बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे। अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, बाहर से मिठाइयाँ हम नहीं खा सकते, तो घर पे आप गुलाब जामुन बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने MTR का गुलाब जामुन मिक्स लिया है। ये आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। इसमें सारी कुकिंग इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होती है कि आप इसको कैसे बनाएं। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए मैं इसको बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसको कट करके देखते हैं। तो जब भी आप ये पैकेट खोले तो आप देखोगे इसमें इस तरह से क्रम्स बने रहते हैं। तो इसको अच्छे से सारे क्रम्स को यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे पहले। तो आप इसका जो डो है वो आप पानी में भी बना सकते हैं। इसका जो पैकेट है उसमें पानी में बनाने की इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, पर मैं इसको थोड़ा सा ल्यूक वार्म मिल्क में बनाऊंगी। जब हम मिल्क में बनाते हैं तो इनका बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। तो आपको दूध गर्म नहीं लेना है, बिल्कुल ल्यूक वार्म यहाँ पे हम दूध लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा ग्लास दूध ले लिया है। ये पूरा हमें ऐड नहीं कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ऐड करके हम इसमें डालेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। हमें इसको बहुत ही हल्के हाथों से गूंदना है। तो अब जो ये डो चिपक रहा है इसको अलग करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे घी यूज कर रही हूँ। इस डो को कवर करके मैं 10 मिनट्स के लिए सेट होने के लिए रख रही हूँ ताकि ये और अच्छे से फूल जाए। इसको आपको ढक के रखना है, नहीं तो ये ड्राई हो जाए। तो जब तक डो सेट हो रहा है तब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ एक बड़ी कटोरी चीनी। तो ये लगभग 500 ग्राम चीनी है। अब इसमें जितना चीनी डाली है उतना ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से पका लेंगे जब तक ये पूरी चीनी डिसॉल्व नहीं हो जाती। तो आप देख सकते हैं चीनी पिघलनी स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 क्रश करी हुई इलायची। अब यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। अब इसके बाद हम चाशनी को लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकने देंगे जब तक ये थोड़ी सी थिक हो जाए। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुकी है और चाशनी अच्छे से पक गई है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, एक बार बस हम चेक कर लेते हैं। अगर ये हाथ पे अच्छे से चिपकने लग जाए इसका मतलब चाशनी तैयार हो। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और चलते हैं अपने डो के बॉल बनाने के लिए। तो यहाँ पे डो बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। और बॉल बनाते टाइम हम अपने हाथों पर अच्छे से घी लगा लेंगे। ये डो को हमें ड्राई नहीं होने देना है, आप चाहे तो इसे कवर करके इसकी बॉल्स बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हम इसकी बॉल बना लेंगे, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है कहीं पे भी। इसको हम एक प्लेट में रख लेते हैं। तो इसी तरह हम पूरे डो की बॉल्स बना लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने इस तरह की बॉल्स बना ली है, तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, कहीं पे कोई क्रैक नहीं है। तो यहाँ पे लगभग 25 बॉल्स बनी हैं एक पैकेट में। तो आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग इनको बना सकते हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ की बॉल्स बनाई हैं, इनसे ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा गुलाब जामुन हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इनको फ्राई कर देंगे प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैंने तेल को लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है बहुत अच्छे से। एक बार हम देख लेते हैं कि ये अच्छे से गर्म हो गया है कि नहीं। तो जो मैंने इसमें पीस डाला था वो एकदम से ऊपर आ गया, इसका मतलब ये अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इन बॉल्स को हम लोग यहाँ पे डालते जाएंगे और ढक के रखेंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए। तो इसमें मैं ये बॉल्स डाल देती हूँ। तो यहाँ पर फ्लेम को आप लो पे ही रखना है, तो हल्का हल्का तेल इन पे इस तरह से डालें। फ्लेम को लो पर ही रखना है ताकि ये अंदर से बहुत अच्छे से पके। अगर आप फ्लेम को हाई रखेंगे तो ये बाहर से तो बहुत जल्दी पक जाएंगे बट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप देख सकते हो इनका साइज बड़ा हो गया है। कंटिन्यूअसली इनको स्टर करते रहना है।
आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के ये हो गए हैं। अब इनको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे, अच्छा गोल्डन कलर आने देंगे। आप देख सकते हैं जो गुलाब जामुन है वो बहुत अच्छे से पक गए हैं, सुनहरा गोल्डन कलर हो गया इनका। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसी तरह हम बाकी के बचे हुए गुलाब जामुन को इसमें फ्राई कर लेंगे। हल्के गोल्डन कलर के हो चुके हैं, तो अब फ्लेम को बंद कर देते हैं और इनको भी हम निकाल लेते हैं। लग रहे हैं ना बिल्कुल मार्केट वाले गुलाब जामुन। तो अब हम इनको थोड़ी देर ठंडा कर देंगे 2 मिनट के लिए, फिर हम इसको चाशनी में ऐड कर देंगे। तो अब गुलाब जामुन को हम चाशनी के अंदर ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से इसमें डिप कर देंगे और अब इनको 1 मिनट के लिए हम चाशनी में पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। कॉन्टिन्यूसली स्टर करते रहेंगे इन्हें। तो 1 मिनट हो चुका है, अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो चाशनी भी हल्की हल्की सी गर्म हो गई है और अभी ये अच्छे से गुलाब जामुन के अंदर चली जाएगी। गुलाब जामुन इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये सारे गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर 2 से 3 घंटे हो गए हैं और हमने इनको अच्छे से चाशनी में डिप कर दिया था। तो आप देख सकते हो जो गुलाब जामुन है उनकी साइज कितनी ज्यादा अच्छी हो गई है। ये एकदम अच्छे से फूल चुके हैं, इन्होंने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ ये लग रहे हैं दिखने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से हमने यहाँ पे गुलाब जामुन तैयार कर लिए हैं। इसमें बिल्कुल भी झंझट नहीं है और मार्केट जैसे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। तो देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट है और अंदर बहुत अच्छे से चाशनी चली गई है। तो बिल्कुल स्मूथ हो गया है अंदर से, इसने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत पसंद आएगी। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।